अगर तू देश के लिए कुछ करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ राहुल गांधी तेरा सम्मान करेंगे, पुतला बनवाएंगे गोल चक्करों पे, बम बांध के साले पाकिस्तान में कूद के दिखा दे। अरे ये राहुल गांधी सोच रहा है ना 99 सीट ला के बहुत बड़े कसीदे पड़ रहा था, औकात का पता चल गया उसका, कमियां हम में है, लट उठा के ठोका जाए उनको इस देश से बाहर किया जाए ना तो हमारी कमियां दूर होगी। और जब तक हम सांपों को पालोगे और दूध पिलाएंगे तब तक तो तुम पेशाब भी पियोगे गुह भी खाओगे। कांग्रेस पार्टी को वही लाना चाहते हैं जो जातिगत राजनीति करना चाहते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। संविधान के टुकड़े टुकड़े करके नालियों में फेंक दिया जाएगा संविधान को। हाँ यही मुसलमान फेंकेंगे जो आज बोल रहे हैं भाईचारा, ये भाईचारा में हमारा चारा बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूँ जितेश मिश्रा। कल हरियाणा के चुनाव के परिणाम आए और परिणाम कुछ बिल्कुल ही अलग देखने को मिले। जिस तरह से एग्जिट पोल आया था उससे बिल्कुल अलग हमें परिणाम देखने को मिले। हम खुद हरियाणा चुनाव के दौरे पर थे और वहाँ हमें जो लहर पता चली, लहर से बिल्कुल एक अलग ही नतीजे हमें देखने को मिले। वहीं एक दूसरी और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव थे पर उसमें क्या ऐसी गलती हो गई, क्या क्यों जम्मू कश्मीर के लोग खफा रह गए भाजपा से, ये एक बहुत बड़ा सवाल और मंथन का विषय अभी भी बनता है सरकार के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में और जो यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा चुनाव को लेकर कितना खुश हैं जो तमाम जनता है यहाँ की, और जम्मू कश्मीर में क्या ऐसी गलती रह गई भाजपा की तरफ से जो वहाँ पे भाजपा अपनी सरकार बनाने में विफल रही। अब कुछ दिनों में इसी साल के अंदर आपको झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे, जिसके बाद अगले साल यानी 2025 की स्टार्टिंग में ही दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होंगे। तो ऐसे में देखना होगा क्या जो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, अपनी जीत की एक लहर बना रही है, वो लहर बनी रहेगी या फिर वो लहर में कोई ना कोई बाधा देखने को मिल सकती है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम क्या है? शुभम पांडे। पांडे जी आप एक चीज़ बताइए, हरियाणा चुनाव में जो रिजल्ट आपने देखे उस रिजल्ट से कितने सेटिस्फाइड हैं आप? देखिए पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं जी, और जो रिजल्ट आने चाहिए थे जी वो रिजल्ट आए हैं जी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने 9 साल 9.5 साल जो है हरियाणा की जनता के लिए रोजगार और विकास कार्य किए। जैसा कांग्रेस पार्टी ने अफवाह फैला रखा था कि एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा सरकार के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जो जनता है वो विकास और सुशासन के साथ है जी। वो केंद्र सरकार जो मोदी जी की केंद्र सरकार है और राज्य की जो भाजपा की सरकार है वो डबल इंजन की सरकार के साथ विकास के साथ है जनता, तो जनता ने विकास को चुना है जी। हाँ, कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा से लोग इतने खफा हैं? देखिए कश्मीर में जो जम्मू बेल्ट है, वहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों में से 29 सीटें प्राप्त किया है जी। बाकी कश्मीर में आपको पता ही है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अलगाववादी सोच के होते हैं, जिनको विकास से कोई मतलब नहीं होता, देश के विकास से, देश के प्रगति से कोई मतलब नहीं होता, आतंकवादी सोच के होते हैं वो। कश्मीर घाटी में ऐसे लोग विराजमान हैं। कश्मीर घाटी में आपने खुद देखा होगा हिंदुओं को वहाँ से 1989-90 में मार के भगा दिया गया था वहाँ पे, तो वो पाकिस्तान सपोर्टेड लोग हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, जो राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए जीती है, तो आतंकवादी ऐसे लोग क्यों उनको वोट सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। भाजपा ने कश्मीर के लिए इतना कुछ करके दिखाया, 370 हटाया, डेवलपमेंट हुई, बच्चे स्कूल जाना वापस से चालू हो गए, लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया, फिर भी क्या कमी, क्यों जो कश्मीर की जनता थी उन्हें अब भी किस चीज़ की कमी नज़र आई? अरे देखिए पहली बात आप जम्मू को अलग कर दीजिए, जो जम्मू के लोग हैं वो केंद्र सरकार और भारत के साथ हैं वो लोग जी। वो जो कश्मीर में लोग हैं वो आपको बता दूं देश के अमन चैन से उनका कोई मतलब नहीं है जी। वो अलगाववाद देखते हैं, वो धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को अपने घर में घुसाते हैं और वो बम विस्फोट करते हैं, वो आतंकी सोच के लोग वो क्यों भाजपा को सपोर्ट करेंगे? भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी को राष्ट्रवादी लोग सपोर्ट करेंगे ना जी। तो फिर आतंकी सोच के लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? तो जम्मू में देखिए, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी 37 में से 29 सीटें लाई, लगभग 80% सीटें लेके आई है, तो ऐसा नहीं जनता ने सब तरफ स्वीकार किया है। अलगाववादी सोच के, आतंकी सोच के जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिनको देश के टुकड़े टुकड़े करने हैं, ऐसे लोग बस भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को वही लाना चाहते हैं जो जातिगत राजनीति करना चाहते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, बाकी देश की एकता अखंडता को साथ रखने वाले लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। हरियाणा जनता ने यह साबित कर दिया। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? दिलीप।
दिलीप जी एक चीज बताइए कि जिस तरह से हमें कश्मीर में परिणाम देखने को मिले, क्या लगता है उस परिणामों से? वो एक ही समाज के लोग हैं, वो अभी भी पाकिस्तान को चूमना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको कितना भी दे देना, तुम यहाँ पे कितना भी दे देना जी, अगर वो थाली में आ जाए ना, छेद ही करेंगे वो। अच्छा, हाँ। आतंकवाद वाली पार्टी आतंकवाद की जगह जीत गई, देशभक्त पार्टी देशभक्त की जगह जीत गई। कौन सी पार्टी आतंकवाद वाली जीत गई? राहुल गांधी पूरा ठग बंधन आतंकवादी है ये। अच्छा, और ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? यार एक चीज बताओ, सबसे घृणा की चीज बताओ मैं जी, दुनिया में कभी सुना आपने कि पेशाब करके लोगों को पिलाया जा रहा है? नहीं, कहीं सुना दुनिया में? नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूँ जी। ये जानते हैं कि साले सनातन में 40% साले दोगले लोग रहते हैं जी? रहते नहीं रहते हैं? यार अब तो हरियाणा में जिता दिया ना। अरे भाई, जिताने से मतलब नहीं है ना, ये आप अपनी बात आगे करिए, टॉपिक सुनो ना मेरा जी, बोलिए आप। पहले मैं इनके यहाँ भी खाता था, अब साले यही जो बिरयानी मत देखते, वीडियो देखते, किसी पेशाब के जूस में पेशाब, लघु शंका पोटी वगैरह सब मिक्स करके दे रहे हैं जी। बताओ बहन, ये दुनिया इतना भ्रष्ट माहौल हो चुका है देश का, हिंदुस्तान में ही है बस ये, क्योंकि पता कि सनातन धर्म में 40% दोगले लोग रह रहे हैं। अच्छा, समझ गए। और आतंकवाद हरियाणा में जो है, हरियाणा में जीत कर देशभक्ति पार्टी है, इसलिए मैंने कहा ना देशभक्ति का जीत गई, आतंकवादी पार्टी इसलिए कश्मीर में जीती है। अच्छा, और ये राहुल गांधी सोच रहा है ना 99 सीट ला के, बहुत बड़े कसीदे पड़ रहा था, औकात का पता चल गया उसका। अच्छा, एक चीज़ बताइए फिर, जो राहुल गांधी ने वादा किया था कश्मीर की जनता से कि 370 वापस आ जाएगा, तो ये कब तक आएगा? अरे तो भैया वो मेरी बात सुनो, अब तक तो ये मोदी जी 15 साल थे, नहीं तो वो कश्मीर एक आधा कश्मीर और बना दिया होता। अच्छा। अब तक तो लाउड स्पीकर में अनाउंस हो गया होता दिल्ली में भी जी, कि खाली कर दो रातों रात। अच्छा। ये तो मोदी जी है, ये तो शुक्र मनाओ अगर योगी जी आ गए ना, अगर योगी जी की चलने दिया जाए तो यहाँ वही रहेगा जो देश का गीत गाएगा जी, नहीं तो जो जो यहाँ रहकर जो वो क्या नाम है इम्तियाज अली जो कहा, वो अपने आप को तीर मार समझता है, 2000 गाड़ियाँ लेकर पहुँच गया जी। कभी इन्होंने इतने दुनिया भर में सिखों का नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हुआ है जी। कभी रैली निकाली उसने? इनका सबका एजेंडा एक ही रहता, इनके पार्टी के 4 आदमी बिठा दो जी, पार्टी 4 रहेगी पर एजेंडा एक ही रहेगा जी। हमारे 4 बिठा दो साले, एक दूसरे की टांग खींचेंगे ये। इम्तियाज अली ने कभी, या एक इमरान प्रतापगढ़ी है यूपी का जो सांसद है जी, इमरान प्रताप, उनके कसीदे पढ़ना जी, केवल वहीं पढ़ेंगे जहां हिंदू मुस्लिम, कभी उसने और मुल्कों में जो नरसंहार किया गया है सिखों का चाहे ईसाइयों का, किसी को रहने देते हुए वहां पे कभी कसीदे नहीं पढ़े होंगे उसने जी। ये सही बात बता रहा हूँ, पॉइंटली बात। अच्छा। दुनिया में सुना कभी आपने कभी किसी को पेशाब करके पिलाया जाता है दुकानों में? ये हिंदुस्तान में है, अगर और मुल्क में होते ना उसका पूरे खानदान को काट दिया जाता। तो क्या ऐसी कमी है लोग, तमाम लोगों का कहना है कि भाजपा के आने से हिंदू जाग रहे हैं, फिर भी ऐसी चीजें हो रही हैं? अरे भैया तो ये तो है ही है, इसी दे ये देखो, बाकी जो ठगबंधन पार्टी है ना ये जाति में काटती है। अच्छा। केवल यही एक पार्टी है जो सबको एक करके चल रही है, इसमें जो जैनवन मुसलमान जो इस देश का गीत गाने वाला है उसको कोई दिक्कत नहीं है जी। अब एक चीज बताओ, दुकान तो है खोल रखी भाईजान ने, अनिमान दिखा रहा कृष्णा स्टोर, तो क्या है वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है? अच्छा भाई, उसके अंदर कोई कमी है जबी तो वो दिख रहा है, तो अपने अपने उसका नाम लेके लिखा है ना सीधा। अब तो उनमें नहीं है कमियां, कमियां हमें कि हमने पाकिस्तान दे दिया, हमने अफगानिस्तान दे दिया, और उसके बाद भी हम उनको अपने देश में पाल रहे हैं। कमियां हमें है, लट उठा के ठोका जाए उनको इस देश से बाहर किया जाए ना, तो हमारी कमियां दूर होगी। और जब तक हम सांपों को पालोगे और दूध पिलाएंगे तब तक तो तुम पेशाब भी पियोगे, गू भी खाओगे। इम्तियाज अली की औकात नहीं थी, ये तो यहाँ के दोगले लोग हैं। चंद्रशेखर रावण जो है ना जी, उसको पूरा लघु शंका और पोटी भर भर के खिलाई जा रही है भाईचारे के नाम पर। इतने बड़े दलितों के नेता हैं वो, अपने आप को बता को नहीं, वो खूब मिश्रण करके खा रहे हैं वे। अच्छा। उनको जब मसाला कम लगता होगा ना तो सबकी वो मिश्रण करके उनको डाल दिया जाता है। अच्छा। अच्छा, यार बताओ, कभी सुना आपने इमरान प्रतापगढ़ी को, इम्तियाज अली को, या ओबीसी को, हिंदुओं के या सिखों की बात कर रहा हूँ, ईसाइयों की बात कर रहा हूँ, नरसंहार किया है कभी बोला उनके बीच में? कभी बोला? इनकी औकात नहीं है बोलने की, नहीं तो अगर एक होते ना उसको वहीं 2000 गाड़ी निकले वहीं पकड़ के वहीं मारते उन्हें पकड़ करके। अभी आपने बोला सांप को पालोगे तो, सांप को पालोगे तो डसेगा ही सांप, क्या जो जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं क्या वो इस देश के नहीं है? होते अगर हिस्सा ना लेते, जब हिस्सा ले लिया तो इस देश में उनका क्या है? अगर तुम मेरे अब मेरे घर में, अगर मेरे घर में तुम और मैं भाई है और तुम और मैं बंटवारा कर लेते हैं,
तो तुम मेरे घर में जबरदस्ती थोड़ी रहोगे, आओगे, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, खाओगे, जैसी आराम बोलोगे चले जाओगे। ये थोड़ी है कि तुम मेरे बच्चों को बोलोगे भारत में रहना है तो जैसी आराम बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा भाई साहब, नहीं बोलोगे तो बुलवा लेंगे। अगर मान लो कोई बोलने से ही मना कर दे तो क्या करोगे? बोलने से मना कर दे तो भैया फिर रास्ता हमारे पास है जी, पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना है। कौन सा रास्ता है? अरे रास्ता तो पाकिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ भी जाता है, जहां कहेंगे वहां भिजवा देंगे। कौन से देश है? 56 देश है। मुझे एक चीज बताओ यार, आप कहते हो ये देश का ठेकेदार है भाई, कश्मीर के अंदर देखो रात अनाउंसमेंट करके कश्मीरी पंडित भगा दिए, मतलब कि एक बात लिख लियो गारंटी से, जो कहते हैं ना दलित और सिख ईसाई, जिस दिन 50% से ऊपर जनसंख्या कूदगी ना इस देश में तांडव मचेगा। अच्छा, ये 1,00,000% इनका संविधान के ना टुकड़े टुकड़े करके नालियों में फेंक दिया जाएगा संविधान को। हाँ, यही मुसलमान फेंकेंगे जो आज बोल रहे हैं भाईचारा, ये भाईचारा में हमारा चारा बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। पर जो राहुल गांधी है वो संविधान को लेके सबसे ज्यादा अवेयर रहते हैं, हमेशा उनके हाथ में दिखता है संविधान। देखो पन्ने नहीं पता। अच्छा, भाई साहब ने पूछ लिए थे कितने पन्ने, बैठ गया वापस सीट पे। अच्छा। पन्ने नहीं पता संविधान क्या बताएगा, बाप का दिया हुआ रोटी खा रहा है वो। हाँ, और हम देश लोग इतनी, देशवासी इतनी इज्जत कर रहे हैं कि उसको संसद में बैठने दे रहे इसलिए, बाकी कौन सी उसने देश के लिए अच्छा काम कर दिया और कौन सा देश के लिए मर गया। अरे अगर तू देश के लिए कुछ करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ राहुल गांधी तेरा सम्मान करेंगे, पुतला बनवाएंगे गोल चक्करों पे, बम बांध के साले पाकिस्तान में कूद के दिखा दे, तू देश का इतना बड़ा साले बन रहा था। आपका नाम अजय हुआ, सपोज करो आप दलित हो, SC हो, OBC हो, क्या हो, पर भाईजान के पास तो गए, अजय नाम बताया आपने, वो तो देखेगा तो भाईजान भाईजान, वो तो अपना काम कर गया, वो तो लघु शंका लेके जूस में डाल करके चाहे बिरयानी में डाल करके तुम्हें पिला गया, तो तुमको ये तो नहीं देखा तुम कौन से संगठन के आदमी हो, कांग्रेस के हो, BJP के हो, पर वो तो, पर उसने तो हिंदू समझ के उन्हें लगा दिया आपको जी। इतनी घृणा हो गई है, अगर जो यहाँ के लोग सही होते ना जी, जिस दुकान के अंदर ये करना के गए उसके पूरे खानदान को वहीं नंगा करके पूरे में दौड़ा जाता जी। ये कोई दुनिया में सुना आपने इस चीज को? यही घृणा बहुत तगड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं अगर ऐसा एक्शन लिया जाए तो ये तो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ को बना दो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में कूद पड़ता है खामखा। जो उन्होंने देखा आपने बुलडोजर एक्शन पे, बुलडोजर नहीं जो कावड़ यात्रा निकली थी, मां नाम है खां लिख रहा श्री कृष्णा स्टॉल, तो यार तो कुछ ना कुछ वो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, ISI से, ISI से जुड़े हुए लोग हैं। जब यार वो ईमानदार होते अपने भाई, अपने अल्लाह पर भरोसा तो है उन्हें जी, हमें अपने भगवान बड़ों ने अपने लब, तो यार वो, या मैं वो तो गलत कर रहा है तो वो ISI का एजेंट है, तुरंत पूरे फैमिली को बुलाओ, एनकाउंटर करो उनका। पर अब तो बुलडोजर बाबा ने भी UP विधानसभा में बिल पास करवा दिया कि जो जो दुकान वाला है उसको अपने सारे जो भी वहाँ पे काम करता है सबका वो करना पड़ेगा। यूपी में नहीं पूरे देश भाई, मैं एक बात कहूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं ये जो लोग जो कहते हैं ना कि हिंदू का नाम, ये वही लोग खा रहे हैं पी रहे हैं पेशाब, जो एकता भाईचारे की बात करते हैं, सेकुलर है वही जाते हैं। अब हिंदू संगठन क्या करता है कि भाई वो तो हिंदू को पिला दिया, वो तो भाई अपनी फर्ज निभा रहा है, पर उसे ये नहीं पता है कि वो पहले उसके पता करो कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो वह पिएगा भाई। अच्छा, पक्का पिएगा। और मैं जो हूँ जाता हूँ ना पहले देखता हूँ भाई भगवान का नाम होगा तभी लूंगा, नहीं तो लेता नहीं हूँ मैं। अच्छा, सही बता रहा हूँ मैं, वो कोई पीने वाली वैसी चीज़ हो तो, क्योंकि इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई अब सोचते हुए बहुत सोचना पड़ रहा है, डर लगता है कहीं ना कहीं बाहर खाने पीने। मैं घृणा की बात नहीं कर रहा हूँ वैसे, पर यार तुम यार पैसा पिलाओगे पिलाओ भी, अगर कुछ ऐसे भगवान का वो स्कैनर कुछ और मेरे सामने निकल गया, मेरे सामने कोई स्टॉल, मैं नाम देख के अगर उसका नाम निकल तो वहीं चाटे लगाऊंगा उसके, अभी तक तो ऐसे हुआ नहीं है। अच्छा। मैं क्योंकि मैं खुद देख के एक्टिव होकर जाता हूँ, अगर निकल गया तो वहीं चाटे बजेंगे भाई। यार तुम अपने भगवान भरोसा करो जी। तुम्हारे अल्लाह है, अपने भरोसा करो, हमारे भगवान है सबका अपने। अगर तुम कुछ गलत चल रहे हो तो इसका मतलब ISI या कोई ना कोई संगठन जुड़ा हुआ है तुम्हें, गलत की सही, ये चीज़ बहुत घृणा कर रही है। दुनिया में कहीं सुना आपने कोई भाई बता दे कि यहाँ दुनिया में चीन में पिलाया जा रहा है या अमेरिका में पिलाया जा रहा है, कहीं पिलाया गया कहीं पे? मैं एक दुकान क्या ऐसी बता दूं, मैं एक दुकान नोएडा फिल्म सिटी के अंदर है और वो बांग्लादेशी है, सुनिए, फिल्म सिटी के अंदर वो दुकान है और वो बांग्लादेशी है और श्री राम स्टोर के नाम से उसकी दुकान है और जब आप उसका स्कैन करोगे तो मोहम्मद करके उसका कुछ नाम आता है। और देखो ये बात यूपी पुलिस भी जानती है, लेकिन यूपी पुलिस ने खुद उसको वहाँ बैठा रखा है और खुद ही उससे सारा सामान बिकवा रही है और पूरे लॉकडाउन हिंदुस्तान का एक भी नागरिक दुकान नहीं खोल पाया, पूरे लॉकडाउन दुकान खुली हुई थी और अभी भी वो दुकान चला रहा है। तो ऐसे क्या यूपी पुलिस की मोहब्बत हो गई इस दुकान वाले से? वही है, खर्चा पानी मिल रहा है, चाय पानी मिल रही है, सिगरेट गुटखा टाइम से मिल रहा है। पुलिस वाले अधिकारी जो कोई भी हो ये सोचते है पता क्या, हमें तो कमाई से मतलब है, कमाई से क्या मत, तेरे बच्चे भी तो जाएंगे वहां पे पेशाब पियेंगे। अच्छा भाई, पैसा किसी को देखो तुम
अंबानी के पास चले जाओ, वही कहीं कहीं ना कहीं से पैसे से किसी का पेट नहीं भरा है जी। अपने से नीचे देखोगे भाई साहब लोग बागों पर 100-100 रुपये भी नहीं है, 200 रुपये भी देखोगे तो। पर आदमी को संतुष्ट होकर जीना पड़ता है, पुलिस वाले पैसे कमाने के चक्कर में स्टॉल खुलवा दे रहे भाई, तेरी ऐसी कम तेरी तेरे बच्चे का देसी देश का भी नहीं है और आधार कार्ड भी है उसके पास तो भाई। आधार कार्ड भी अगर हिंदू बटाना होता तो उसका तो कुत्ता वहीं बना दिया जाता, वहीं एनकाउंटर करा जाता, योगी आदित्यनाथ को बना दो वही काम करवाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट बीच में कूद पड़ता है। बिल्कुल सही काम किया था योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अरे भाई जिस दिन वो बन गया ना पूरे कर्नाटक प्लेट में कम से कम 50 किलो लड्डू बटवाऊंगा मैं खुद। अच्छा बूंदी के देसी घू के रहने वाले हो? अरे कहीं के भी टूर, अरे पता पूछ के लड़ोगे? पर्सनल चीजें नहीं, पर्सनल चीजें नहीं, पता पूछ के कोई। मैं भाई हूँ, मैं भाई हूँ किसका? हल्ला मत करो। किसके भाई हो? मैं एक मिनट मेरी बात सुनो। हम हिंदुओं में ना पहले गुटखा धुप के आ जाओ, बड़ा आना मजा आ रही है। गुटखा खा के मत आया करो, आप समझ में नहीं आया। आप पहले गुटखा धुप के आओ, बाद हम यहीं पे हैं, हम यहीं पे गुटखा धुप के आओ। आप तुम बोलोगे बादाम खाओ या क्या गुटखा खा रहे हो यार जी। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि कल ही एक न्यूज आई है कि लखनऊ में मंदिर के बाहर मीट के टुकड़े फेंके गए, ये क्या मानसिकता है? मैं क्या कह रहा हूँ, जिस इलाके में 50% से ऊपर देश के अंदर जिस जनसंख्या कूद गई ना जी। उस दिन ये कश्मीर भरेगा देश, अब तक तो बन चुका होता कई देश, ये तो मोदी जी ने रोक रखा है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं? पश्चिम बंगाल के बारे में सुनो जी, हम तो 100 बात की एक बात कह रहे हैं, सनातन के दोगले साले सही हो जावे ना तो देश अपने, मैं मुसलमानों की बिल्कुल वो नहीं करता। पश्चिम बंगाल के लिए एक बात कहना चाहूंगा, वहाँ जितने हिंदू है ना कृपया करके देश की तरफ, तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं मगर देश की तरफ ना आके ना जितने हो उतने ही वहीं पे लड़ो जी। लड़ो और उनको वहीं मारो, सुनो, जो तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाता है उनको वहीं मारो, सलिए घुसेड़ दो, ये देश का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, लेकिन डरो मत और पीछे मत हटो, उनको वहीं रह के उनका सामना करो और वहीं उनको मारो और उनको इतिहास याद दिलाओ कि हिंदुओं का इतिहास क्या रहा है, सनातन का इतिहास क्या रहा है, वहाँ पे रह के उन्हें दिखाओ। इस देश में एक बिल पास होना चाहिए जिसके 4-5 बच्चों ज्यादा पैदा हो रहे हैं ना उनके माँ बाप का एनकाउंटर करो। अच्छा आप ये बात, मेरी बात सुनो आप भाई, एक बार बताओ 2 बच्चे पढ़ाने के भी आज की डेट में पढ़ाओ, मेरे 3 बच्चे हैं ठीक है ना, वो भी एक लड़की के चक्कर में, 2 लड़के थे मेरे, मेरी पत्नी ने कहा कि एक लड़की होनी चाहिए घर में जरूरी है तो वो भी लड़का हो गया जी ठीक है ना। जो 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करे कभी इस पे कोई पढ़ाते? आज 15,000 रुपये का महीना जाता है मेरे 3 बच्चों का जी। कई जने ऐसे है कि एक इस रेडी पे लगवा देंगे उस पटरी पे लगवा देंगे, 500-500 रुपये कमा के ला रहा है, या तो 1500-1500 जा रहे हो 45,000 कमा के ला रहे। देश के अंदर एक कानून बनना चाहिए कि ज्यादा बच्चे पैदा ना हो और पैदा हो तो उनका ब्यौरा होना चाहिए, नसबंदी ने ब्यौरा होना चाहिए। अच्छा। कि साले कमा खा अच्छा रहा है, बच्चे को वहाँ पढ़वा रहा है, कम से कम 22 साल तक बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अच्छा। हमारे बच्चे 22 तक पले तब तो करोड़ों रुपए कमा दे वो, लाखों रुपए। अच्छा एक चीज बताइए, आपने कहा जिसके ज्यादा बच्चे उनका तुरंत एनकाउंटर कर दो, माँ बाप का एनकाउंटर कर दो, बच्चे पैदा कर रहा है वो देश को गड्ढे में डाल रहा है। पर जो विपक्षी दल है उनका कहना है, मेरी बात सुनो यार, एक बताओ, एक बच्चा पैदा हुआ जी। आप उसको जैसे माहौल में रखोगे वैसे माहौल में तो रहेगा यार, उसका जीवन है, हमारे बच्चे भी है, हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी 22-23 साल हमने पढ़ाई में खर्च किए हैं, सबको ऐसे ही होना चाहिए जी।